यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर वन स्टार्ट हो रहा है। अब तक हमने क्या किया था, पुनरावृत्ति निरीक्षण कर रहे थे। अब आपका चैप्टर वन है, ये पांच अंकीय संख्याएं, पांच अंकीय संख्याएं। तक हमने चार अंकीय तक किया था, अब आपका है पांच अंकीय। तो इसमें क्या करना है, 100 से 10,000 तक की संख्याएं इसमें आएगी। 100 से 10,000, देखो 100 में कितने हैं अंक, 3 अंक है, और यहाँ पे 5 अंक हो गए। 10,000 होते ही कितने अंक हो गए, 5 अंक तक की संख्याएं। तो देखिए हम ये पहले पढ़ चुके हैं, पहले हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। देखो 10 इकाई होते क्या हो जाता है, एक दहाई बन जाता है। जब भी हम गिनती करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते ही क्या बन जाता है, एक दहाई बन जाता है। और 10 दहाई होते क्या बन जाता है, एक सैकड़ा बन जाता है। 10 दहाई, 10 10 को अगर हम 10 बार लें, 10 को 10 बार लेंगे तो क्या बन जाएगा, 100, मतलब एक सैकड़ा हुआ। ऐसे ही जब कुछ 10 सैकड़े लिए, एक सैकड़े भी कितना होता है, 100, तो 10 सैकड़े लिए तो कितने हो गए, 1,000। ऐसे ही लिए 10,000 के लिए क्या है, हमें 10,000 जब लेंगे, मतलब 10 को हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। ऐसे करके क्या है आपकी ये 100 से 5, 10,000 तक की संख्याएं हैं। आप देखिए पांच अंकीय संख्या को पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, पांच अंकीय संख्या को उदाहरण के लिए दिया हुआ है, जैसे 13,619 को हम इसको कैसे पढ़ेंगे, नाम को, नंबर को। तो देखो कैसे पढ़ते हैं, जब भी कभी हम पहले तो हम इसका स्थान लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, पहले हमने इसका ये लिख लिया। हम इसको हमेशा नंबर ध्यान रखना, हम हमेशा सीधे आज से स्टार्ट करेंगे नंबर लिखना। ये क्या आएगा, 9, 1, 6, 3, 1, हमने इस नंबर को वहां से लिखना हमने स्टार्ट किया, शुरू किया, वहां से सीधे आज से हमने शुरू किया है से। तो देखिए क्या आएगा, 9, 1, 6, 3, 1। अब देखो हम उसके नियम है कैसे पढ़ते हैं नंबर को, वो देखिए 10,000 और 3,000 इनको हम जोड़ के पढ़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना, हजार और 10,000 की जो स्थान का जो नंबर है उसको हम जोड़ के पढ़ते हैं, तो क्या बनेंगे, 13,000। 1 और 3 क्या होता है, 13, और क्या बनेंगे इसको, 13,000, क्या बोलेंगे, 13,000, ठीक है। फिर है आपका सेकंड अंकीय स्थान पर क्या है, 6, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 600, क्या बोलेंगे इसको, 13,600। फिर इसका निकाल है 600, ठीक है। फिर आपका नियम 3 में है, दहाई और इकाई, दहाई और इकाई को मिलाकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए 1,000 और 10,000 को मिलाकर पढ़ना है, और इकाई और दहाई को मिलाकर पढ़ते हैं। तो देखिए 13,000, 1 और 3, 13, 13,619 क्या बना, इकाई और दहाई को जोड़ के बना क्या, 19। तो क्या नाम, इसका नाम अंक का, इसका नाम क्या बोलेंगे, 13,619, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस नंबर का नाम, पांच अंकीय संख्या को पढ़ने का तरीका आपको समझ में आया, इसको हम बोलेंगे 13,619। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखेंगे, ओके।